चलिए आइए स्टार्ट करेंगे जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के टॉप 40 क्वेश्चन थे। तो इससे जो पहले अभी हमने वीडियो एक अपलोड की है जिसमें 1 से 20 क्वेश्चन हैं। अब आफ्टर 20 क्वेश्चन यानी कि 21 से 40 क्वेश्चन अब हम अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। यदि आपने पहली वीडियो अभी नहीं देखी है तो पहले आप 1 से 20 क्वेश्चन देखें, उसके बाद 21 से हम अब आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 अच्छे से पहले रीड करें। 21 में कहा जा रहा है द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sec स्क्वायर x इक्वल रूट टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स आर गिविन y। चलिए सॉल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आएगा 21। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है sec स्क्वायर x, क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू अंडर रूट टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट टू, इस रूट टू को इधर ले आए, sec स्क्वायर एक्स को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन, और sec स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं आप 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, क्योंकि हम जानते हैं sec स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब जो ये लिखा हुआ है आप अच्छे से यह जानते हो तो ये फॉर्मूला है किसका, cos 2x, और इधर लिखा हुआ है 1 अपॉन रूट टू। इसे सिंप्लीफाई इधर साइड चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं cos 2x इक्वल टू, जो देखो 1 अपॉन रूट टू होता है, जो 1 अपॉन रूट टू है ये वैल्यू cos में कितने डिग्री पर होती है, पाई बाई 4 पर, इसको लिख लेंगे आप cos पाई बाई 4। अब इसका एक फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल cos अल्फा, जब अल्फा 0 से पाई होता है तो इस समय फॉर्मूला आएगा 2x इक्वल n पाई 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, 2 का डिवाइड कर देंगे तो फाइनल आंसर आएगा x इक्वल n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 8। ये आपका आंसर, तो चेक करेंगे ऑप्शन सी सही होगा यानी कैलकटा। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 22 अच्छे से रीड करें, ठीक है। चलिए आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। इसमें गिवन हो रहा है tan थीटा इक्वल माइनस 1 एंड cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2। अब n इंटीजर्स है और ऑप्शन दिए जा रहे हैं, तो आप ये देखें सबसे पहले tan और cos दो आपको इक्वेशंस दी जा रही हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर आप देखें tan तो नेगेटिव है और cos क्या है, पॉजिटिव। ये आप जानते हैं नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, क्वाड्रेंट डिसाइड करते हैं। ऐसा क्वाड्रेंट डिसाइड करो जहाँ टेन नेगेटिव हो कॉस पॉजिटिव हो। अब आप देखें थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है, फोर्थ में, फोर्थ क्वाड्रेंट में बिल्कुल बात सही है, फोर्थ में, क्योंकि टेन नेगेटिव होता है कॉस पॉजिटिव होता है। और अच्छे से हम जानते हैं जो वैल्यू आ रही है वन, और यहाँ वन बाई रूट, तो ये पाई बाई फोर की वैल्यू है, तो इसीलिए जो कॉमन जनरल वैल्यू आएगी, कॉमन वैल्यू जो आएगी दोनों के लिए, वो वैल्यू आएगी टू पाई माइनस, क्योंकि टू पाई यहाँ होता है और यदि आप ऐसे मेजरमेंट कर रहे हैं तो टू पाई माइनस पाई बाई फोर। जो कॉमन वैल्यू थी थीटा की वो क्या थी, पाई बाई फोर थी, तो वो टू पाई माइनस पाई बाई फोर करेंगे तो ये आ जाएगा 7 पाई बाई 4। अब आपको देख रहे हैं ऑप्शन में जनरल सॉल्यूशन के फॉर्म में दिया है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन जो होगा उसमें क्या कर देते हैं 2n पाई में जो हमारी कॉमन वैल्यू आती है, ये वैल्यू इसको आप ऐड कर देंगे, ठीक। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लियर। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23 अच्छे से रीड करें. ट्वेंटी थ्री में कहा जा रहा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस टू थीटा इक्वल साइन थीटा इन जीरो टू टू पाई. यानी ये भी कहा जा रहा है कि जो थीटा है वो आपको गिवन है कि जीरो से टू पाई इन ओपन इंटरवल. ठीक है, ये गिवन है. अब कॉस टू थीटा इक्वल टू कितना लिखा है, साइन थीटा. अब कॉस का ऐसा फॉर्मूला लगाओ जो साइन के पदों में हो, तो हम कॉस को लिख लेंगे वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा. इस सब को राइट साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो. इसके फैक्टर करेंगे टू वन या टू, तो टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस वन इक्वल जीरो. यहाँ से कॉमन आ गया टू साइन थीटा, तो यहाँ आएगा साइन थीटा प्लस वन, यहाँ से माइनस वन कॉमन, साइन थीटा प्लस वन. साइन थीटा की दो वैल्यू आ रही हैं, एक तो साइन थीटा की वैल्यू माइनस वन आएगी और एक वैल्यू आएगी वन अपॉन टू. अब हमें बताना क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन. तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे कि साइन का ग्राफ बनाओ. साइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है और ये ग्राफ केवल और केवल मैंने जीरो से टू पाई तक बनाया है क्योंकि हमें बाउंड्री पॉइंट दिया जा रहा है जीरो से टू पाई. ये क्वेश्चन में गिवन है. अब जीरो से टू पाई में ये देखेंगे ये वैल्यू कितनी बार मिली, माइनस वन कहाँ मिलेगी, यहाँ पे, और वन बाई टू कहाँ है, ये वन होता है नीचे माइनस वन होता है, यहाँ कहीं वन बाई टू आएगा, यहाँ कहीं वन बाई टू आएगा. तो आप यहाँ से एक लाइन खींचें, कहाँ तक खींचेंगे, टू पाई तक. कितने जगह काट गई, दो जगह. तो दो सॉल्यूशन तो इसके आ गए और माइनस वन की वजह से एक सॉल्यूशन यहाँ से आ गया. टोटल सॉल्यूशन कितने आ गए, तीन. तो हलों की संख्या कितनी होगी, तीन. तो सही आंसर हुआ ऑप्शन सी. क्लियर. देखें क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24 द इक्वेशन रूट थ्री साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल फोर. रूट थ्री साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल फोर, यह आपका क्वेश्चन है. हैज इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन. सबसे पहले आप देखेंगे कि इतने पार्ट की जो रेंज है वो क्या आएगी, क्योंकि रेंज का फॉर्मूला आपको पता है कि वो होता है माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट थ्री स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, ये इसकी रेंज होती है. तो आप देख पा रहे हैं रेंज जो है वो माइनस टू से टू है. ये क्या है इसकी रेंज, औकात माइनस टू से टू है. और राइट साइड क्या लिखा है, फोर. तो क्या इसकी रेंज में फोर आ रहा है, नहीं. तो आप सिंपल वे में लिख देंगे नो सॉल्यूशन, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं किया जा सकता जब तक कि राइट साइड वाली वैल्यू इसकी रेंज में ना आ जाए. तो मुझे उम्मीद है आप आसानी से समझ गए होंगे. सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में इस पार्ट की रेंज देखते हैं. इस पार्ट की रेंज माइनस दो से दो थी, जो कि इसमें राइट साइड जो वैल्यू लिखी है वो इसकी रेंज में नहीं आ रही, इसीलिए हलों की संख्या जीरो यानी नो सॉल्यूशन. तो ऑप्शन करेक्ट होगा बी, बॉम्बे. देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25 देखें अच्छे से रीड करें. द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स इन द इंटरवल 0 टू 3 पाई सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 साइन एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0. अब आप ध्यान से देखें तो यहाँ इंटरवल क्या दिया गया है, इंटरवल दिया गया है आपको 0 से 3 पाई.
अभी थोड़ी देर पहले आपने जो क्वेश्चन किया है बाई ग्राफ वैसे ही करना है ये भी, और इक्वेशन दे रखी है आपको 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 साइन एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे 3 दूनी 6 तो 2 साइन स्क्वायर एक्स ये हो जाएंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स 3 दूनी 6, तो यहाँ 2 और 3 भी कर सकते हैं इसके रूट, यानी हो जाएंगे 2 साइन एक्स प्लस 3 साइन एक्स, राइट। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, इस तरीके से दिक्कत आएगी, काम कर लेते हैं, इन्हें कर लेते हैं 6 साइन एक्स और यहाँ कर लेते हैं माइनस साइन एक्स। ये भी हो सकते हैं क्योंकि 6 में से 5 बचे हैं, राइट। अब देखें यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 साइन एक्स कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा, साइन एक्स प्लस 3। यहाँ से क्या कॉमन है, माइनस 1, तो क्या आ रहा है, साइन एक्स प्लस 3। दो वैल्यू आ रही हैं यहाँ से साइन एक्स की, आप ध्यान से देखें, एक तो आ जाएगी माइनस 3 और एक आ जाएगी 1/2। तो आप जानते हैं साइन की रेंज में माइनस 3 तो आ नहीं सकती, ये वैल्यू तो क्या है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइन की रेंज होती है माइनस 1 से 1 और साइन में माइनस 3 कभी नहीं आ सकता। बट हम बात करेंगे कि आप इतना तो जानते हैं साइन का ग्राफ बनाएंगे इस बार 3π तक, 0π 2π 3π, क्योंकि आप जानते हैं बाउंड्री पॉइंट आपको दिया गया है कि हलों की संख्या कहां से कहां बतानी है, 0 से 3π में। अब 0 से 3π में तो बतानी है, लेकिन वैल्यू क्या है, 1/2। अब 1/2 आप जानते हैं टॉप पॉइंट पे होता है 1, बॉटम पे माइनस 1, और 1/2 यहाँ कहीं होगा। अब यहाँ से एक सीधी लाइन खींच दो, सीधी लाइन खींचनी कहाँ तक है, एग्जैक्ट 3π तक, और देखेंगे कि ये वाली लाइन इस ग्राफ को कितने पॉइंट पर कट कर गई। काउंट करते हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, तो कितनी जगह काट गई, 4 पॉइंट पे। तो हलों की संख्या कितनी हुई, 4। जैसा कि देख सकते हैं ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो मुझे उम्मीद है आप अच्छे समझ गए होंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में से कौन सा एक ऑप्शन सही है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि 1 डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है। 1 रेडियन होता है, 1 रेडियन को या तो 1 लिखते हैं सिंपल, या ऐसे डिग्री को काट देते हैं, ये लगभग 57 डिग्री 17 मिनट और 45 सेकंड के बराबर होता है। 1 रेडियन लगभग 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकंड लगभग इसके इक्विवेलेंट है। अब जैसा कि ऑप्शनों में कहा जा रहा है कि ए ऑप्शन है साइन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन साइन 1 रेडियन। देखो कुछ नहीं लिखा 1 के ऊपर, इसका मतलब रेडियन। तो आप कह सकते हैं क्या कभी साइन 1 डिग्री, अब इसको अगर हम पूरे दोनों साइड वाइज कंपैरिजन जब किया जाएगा, जब दोनों तरफ डिग्री हो या रेडियन हो, तो यहाँ 1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं कि लगभग 57 डिग्री लिख सकते हैं। तो क्या साइन 1 डिग्री की वैल्यू साइन 57 डिग्री से ज़्यादा होगी, नहीं, क्योंकि साइन बढ़ता है। आप जानते हैं कि साइन 0 से 90 में इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो ये बात गलत हो गई। अब बी ऑप्शन लिखा है साइन 1 डिग्री इज लेस देन साइन 1, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे तो साइन 1 डिग्री साइन, अब 1 के स्थान पे क्या लिखेंगे, 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकंड। ऑब्वियसली जब ये एंगल बढ़ाए इंक्रीज होता है, तो ये सही बात है कि इसकी वैल्यू
इससे ज्यादा आएगी, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लियर हो गया? देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? इफ साइन एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल 1/3 एंड कॉस एक्स प्लस साइन वाई इक्वल 3/4 देन 10x - y/2। आप बहुत ध्यान से देखेंगे, आपको दो इक्वेशन गिवन हो रही हैं। जैसे हम कह सकते हैं गिवन क्या क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल 1/3 और एक और इक्वेशन गिवन है कॉस एक्स प्लस साइन वाई इक्वल 3/4 और जो फाइंड करना है वो आपको 10x - y/2। अब भाई सोचने योग्य बात ये होगी कि यहाँ से आप क्या अप्रोच लगाएं जिससे कि 10x - y/2 बन जाए। आप लोग एक काम करें, क्योंकि यहाँ साइन सी प्लस साइन डी वगैरह ऐसा लग नहीं सकता, कोई भी फॉर्मूला आसानी से नहीं लग सकता। जब लग सकता है जब कॉस इसके पास हो, ये इसके पास हो, तो आपस में रिलेशन बन सकता है। तो आप क्या करें, इसके यहाँ अपॉन लगाएं और यहाँ अपॉन लगाएं, इसको ऐसा कर दें और अगेन वही फॉर्मूला अप्लाई सी एंड डी, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिवेंडो यानी योगांतर अनुपात। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि आप साइन सी प्लस साइन डी वगैरह फॉर्मूले आसानी से लगा सकते हैं। तो अंश प्लस हर करेंगे तो ऊपर हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस वाई प्लस हर भी जोड़ देंगे कॉस एक्स प्लस साइन वाई बटे अब घटाएंगे साइन एक्स प्लस कॉस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस साइन वाई सेम राइट साइड 1/3 प्लस 3/4 अपॉन 1/3 माइनस 3/4। अब एक चीज नोटिस करें यहां से कि आप साइन सी प्लस साइन डी इसमें लगा सकते हैं और कॉस सी प्लस कॉस डी आप इसमें लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको और इसको, तो इससे आ जाएगा 2 sin x + y/2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू। क्लियर? यहां लगाएं कॉस सी प्लस कॉस डी तो ये हो जाएगा 2 cos x + y/2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू पूरे का अपॉन, यहां पे आप देखें यहां लग जाएगा साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी यानी 2 cos x + y/2 इंटू ऑफ साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू। फिर बचेगा यहां से, यहां से आप एक काम करें इसमें माइनस कॉमन ले लें तो कॉस सी माइनस कॉस डी हो जाएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी होता है 2 sin x + y/2 इंटू साइन वाई माइनस एक्स ना करके यहीं प्लस कर दे रहे हैं तो वो हो जाएगा x - y/2। राइट साइड इसका एलसीएम 12 आएगा, 4, 9 और 4 ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 9 और 4 कितना होता है 13/12 और नीचे हो जाएगा 4 - 9 - 5/12 इससे कैंसिल आउट। आगे देखें तो अब कॉमन क्या आ रहा है इसमें से, एक तो 2 कॉमन आ जाएगा ठीक, और साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा एक, ये वैल्यू कॉमन आ जाएगी। ऊपर से कॉमन लें तो ये आ गया 2 cos x - y/2 बचा क्या अंदर साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू प्लस कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू अपॉन ट्वाइस ऑफ। अब इसमें क्या कॉमन है, एक तो 2 देखो यहां पर भी कॉमन है
और क्या क्या सेम है दोनों ओर, साइन है यानी ये वाला पार्ट, ये वैल्यू इसमें भी कॉमन है, साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू, अंदर क्या बचा, कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू। आप बहुत ध्यान से देखें, इधर बचा माइनस तेरह बट्टे पाँच, बहुत क्लियर बात यह कि इससे ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में कैंसिल आउट, दो से दो कैंसिल आउट। अब ये कॉस अपॉन साइन है, यदि इसको दोनों साइड को हम पलट दें तो सही आंसर क्या आने वाला है, ये आ जाएगा टेन एक्स माइनस वाई अपॉन टू इक्वल टू और माइनस का पाँच बट्टे तेरह, यानी फाइनल आंसर आ गया टेन एक्स माइनस वाई अपॉन टू बराबर माइनस पाँच बट्टे तेरह। ये करेक्ट आंसर आया जो कि ऑप्शन सी, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी थी लेकिन क्वेश्चन अच्छा था, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो वीडियो को एक बार फिर से देखें, डेफिनेटली समझ में आएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 रीड करें, हाँ भाई आपको एक चीज बता रखी है कि यदि मान लो tan a यदि a प्लस बी 90 हो रहा है तो tan a इंटू tan b की वैल्यू क्या आएगी, 1। ये फॉर्मूला अच्छे से याद है ना, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले भी, यानी इसका और इसका सम यदि 90 हो रहा है तो 100% क्या आएगा, 1। अब क्वेश्चन है आपका tan 31 डॉट tan 32 डॉट tan 33 डिग्री लास्ट tan 59 डिग्री। अब आप जानते हैं बीच में बहुत सारे टर्म आ रहे हैं, ये 31 से लेके लगातार 59 तक जा रहा है, 31 और 59 कितना होता है 90, फिर 32 यहाँ आएगा 58 90, इस हिसाब से लास्ट में आएगा tan 45, तो ये 1 × 1 × 1 × 1 इस तरीके से ये प्रक्रिया जारी है, तो फाइनली आंसर आएगा 1। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 रीड करें, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए 29 में गिवन हो रहा है, इसको आप ऐसे लिखें इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल आपको गिवन हो रहा है p, और जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है sec थीटा, sec थीटा ही तो आपको बताना है। तो आप एक चीज जानते होंगे, एक फॉर्मूला था कि sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1। इसके फैक्टर कर लेते हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो यहाँ से एक रिजल्ट मिलते थे कि इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल a देन sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल 1/a। यानी कि इस फैक्टर से पता लगता है कि ये वाला फैक्टर और ये फैक्टर इससे आते हैं, तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है। अब आप जानते हैं कि किन्हीं भी दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट यदि 1 हो तो वो दोनों क्वांटिटी एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती हैं। तो इसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि sec थीटा प्लस tan थीटा यदि p है तो हम अपनी तरफ से श्योर कह सकते हैं कि sec थीटा माइनस tan थीटा कितना होगा, 1/p। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो tan से tan कैंसिल आउट, sec और sec कितना हो गया 2 sec थीटा, और इसको ऐड कर देंगे p प्लस 1/p, आफ्टर सॉल्व हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1/p,
सो sec थीटा इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। ये आपको पूछा गया था तो आपका आंसर आ गया p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p जो कि दे रखा है ऑप्शन सी में, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। आप करते जाएं साथ के साथ क्वेश्चनों को, क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आए आप तुरंत सॉल्व करें, वीडियो रोक दें, पूरा सॉल्व करने के बाद वीडियो फिर से देखें। क्वेश्चन नंबर 30, साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री। अब आपको याद होना चाहिए एक फॉर्मूला था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। फॉर्मूला है डायरेक्ट साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो यहाँ से सॉल्व वो कितना आ जाएगा, साइन 24 और 6 यानी 30 डिग्री डॉट साइन 24 से 6 गए तो 18 डिग्री। अब इसकी वैल्यू आप लोग जानते हैं कितनी होती है वैल्यू इसकी, 1/2 इंटू साइन 18 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4। सो फाइनल आंसर विल बी रूट 5 माइनस 1 अपॉन 8। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बी, ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। ठीक है चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, में कहा जा रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। अब आप ये देखो कि साइन थीटा और इनटू कॉस थीटा, इनटू में लिखा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। आप ध्यान से देखें क्या इसको कोई एक फॉर्मूला बनाया जा सकता है, बिल्कुल। यदि आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का कर दें डिवाइड तो आप ध्यान से देखें कि ये हो जाएगा कुछ ऐसा साइन 2 थीटा अपॉन 2। अब आसानी इसलिए हो रही है कि यहाँ एंगल कुछ भी हो इतने पार्ट की जो रेंज आएगी वो आएगी माइनस 1 से 1 और अपॉन में क्या है 2। तो 2 को जब हम अलग अलग शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 और ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 2। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो है माइनस 1 अपॉन 2 और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो है प्लस 1 अपॉन 2। मैक्सिमम पूछिए तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्योंकि 1/2। तो क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 32। रीड करें अच्छे से। थर्टी टू में कहा जा रहा है इफ सेक अल्फा दे रखा है 13/5 राइट, वेयर वेयर अल्फा इज 270 डिग्री कर लें 270 डिग्री से और जा रहा है 360 डिग्री। इसका मतलब अल्फा किस क्वाड्रेंट में हुआ, ये तो क्लियर हो गया 270 से और 360 कौन सा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां से ये पता लग गया कि जो अल्फा है अल्फा कहां पे लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब आपसे पूछा जा रहा है देन व्हाट इज साइन अल्फा, अब वैल्यू बतानी है आपको साइन अल्फा की। तो आप मुझे बताएं कि सेक तो माना कि भाई फोर्थ में पॉजिटिव है, बिल्कुल सही बात है,
यहाँ से आप कॉस भी लिख सकते हैं, कॉस अल्फा हो जाएगा 5/13। अब बात ये आ रही है साइन लेकिन नेगेटिव होता है कहाँ पर, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ आएगा माइनस का। ये 5/13 है तो ट्रिपलेट बताई थी आपको 5, 12, 13, ये हमें ट्रिपलेट याद है। तो यहाँ 5, 13 यूज हो रहे हैं तो गायब कौन है, 12। तो साइन आ जाएगा माइनस का 12/13। तो सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, कॉट 15, कॉट 16, कॉट 17, डॉट डॉट डॉट, कॉट 73, कॉट 74, कॉट 75 इज। देखिए वही फॉर्मूला यहाँ पर भी एलिजिबल है कि जैसे हम ये कहें कि कहीं लिखा है यदि ये कहा जाए इफ ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है तो श्योर कहा जा सकता है, चाहे टेन हो चाहे कॉट हो, तो कॉट ए डॉट कॉट बी इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी। क्यों आएगी, बड़ी आसान सी बात है, बी की जगह लिख सकते हैं आप यहाँ से 90 माइनस ए, तो कॉट 90 माइनस ए 10, या 10 इंटू कॉट ए कितना होता है, 1 होता है। अब जैसा कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कॉट 15 डिग्री, कॉट 16 डिग्री, कॉट 16 डिग्री, कॉट 17 डिग्री, डॉट डॉट डॉट, कॉस 73 डिग्री, कॉट 74 डिग्री, कॉट 75 डिग्री। अब आप एक चीज़ देखें, बहुत अच्छे से एनालिसिस करें कि जो सब पूरी सीरीज इनटू में पहला और लास्ट वाला कॉट ए कॉट भी, तो 15 और 75 कितने होते हैं भाई, 90, तो इनसे क्या वैल्यू आ जाएगी, 1। अगेन 16 और 74 क्या होता है, 90, फिर आ गया 1। 73 क्या होता है, यानी ये भी 90, यानी फिर 1। इस तरीके से ये पूरा 1 हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई कितनी बार भी करें तो आंसर क्या आएगा, 1। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्लियर, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, मैच द फॉलोइंग, यहां आपको कोड पैटर्न वाला क्वेश्चन है, कोड मैच कराने हैं। देखिए अब आपको यहां पर चार वैल्यू दे रखी है, जैसे साइन, क्वेश्चन नंबर 34, साइन 75 डिग्री, फिर उसके बाद है कॉस 75 डिग्री, फिर टेन 15 डिग्री, कोसेक, कोसेक 105, कोसेक 105 डिग्री। अब इन सब की सही सही वैल्यू आप इनके सामने लिखते जाओ, आसानी से मैच हो जाएगा। तो साइन 75 को कैसे लिखते हैं दोस्तों, 45 + 30, तो ये आ जाती है √3 + 1/√2। क्लियर, कॉस 75, 45 + 30 करेंगे तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये आ जाएगी √3 - 1/√2, राइट। इसे लिखेंगे 45 - 30, तो ये आ जाएगा √3 - 1/√3 + 1। फिर बचा ये, इसको आप 90 + 15 कर लें, साइन 15, यानी इसको पलट देंगे, ये आ जाएगा √2 / √3 + 1। सही है, अब ध्यान से देखें मैच कैसे करेंगे, जो पहला था ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था, तो पहला किससे मिला है, ऑप्शन डी से, पहले का डी है, तो हमें ए और डी दो ऑप्शन दिख रहे हैं। फिर दूसरा कॉस 75 √3 - 1, कॉस 75 यानी मिल रहा है ए से, तो दूसरा ए से है, तो हमारा ए और डी अभी तक बराबर चल रहे हैं। तीसरा है 10 - 15, 10 - 15 किससे है, बी से, तो तीसरे का बी, तो ऑप्शन डी में आप देख सकते हैं
ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि तीसरे को मैच कराना था बी से। आज जैसा कि मैं बता दूं आपको, रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू रूट टू दे रखा है डी पे, रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू रूट टू दे रखा है ए पर, और रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन दे रखा है बी पर। अब बचा क्या, सी। तो डी ए बी सी, डी ए बी सी, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 35। क्वेश्चन नंबर 35, में बहुत ध्यान से देखें, लिखा है इफ अल्फा कॉस स्क्वायर थ्री थीटा प्लस बीटा कॉस की पावर फोर थीटा इक्वल 16 कॉस की पावर सिक्स थीटा प्लस नाइन कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं अब चार ऑप्शनों में क्या आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है, तो या तो आप दोनों ओर कंपेयर करें, क्योंकि इधर कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला खोलें फिर दोनों साइड कंपेयर करें तो अल्फा बीटा फाइंड किए जा सकते हैं, या इसका शॉर्ट मेथड ऐसे करके देखते हैं कि जैसे क्वेश्चन में लिखा है अल्फा कॉस स्क्वायर थ्री थीटा राइट प्लस बीटा कॉस की पावर फोर थीटा इक्वल 16 कॉस की पावर सिक्स थीटा प्लस नाइन कॉस स्क्वायर थीटा राइट। आप क्या करें, इसमें यदि हमें अल्फा बीटा बताने हैं तो आप, मैं यहाँ पे एक अप्रोच बता रहा हूँ आपको कि आप थीटा के स्थान पर पुट कर दो 0 डिग्री, क्योंकि थीटा के स्थान पर 0 डिग्री पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 0, कॉस स्क्वायर 0 बन होता है, तो यहाँ अल्फा अगेन यहाँ पे ये फिर से 0 यानी ये बन हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू भी बन हो जाएगी यानी 16 और यहाँ पर भी बन हो जाएगा यानी 9। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है, देखें ध्यान से 25, अल्फा प्लस बीटा आ रहा है 25। तो आप ध्यान से देखें चार ऑप्शन में कि किस ऑप्शन में अल्फा बीटा को जोड़ने पर 25 आ रहा है। तो ए ऑप्शन में देखें तो 19 आएगा, बी ऑप्शन में देखें तो जैसा का दे रखा है अल्फा 1 और बीटा दे रखा है आपको 24, तो ये बात इसको फॉलो करती है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसी अप्रोच को बहुत आसानी से सीख गए होंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 36। क्वेश्चन नंबर 36 रीड करें। साइन स्क्वायर 5 सीरीज है, साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 90। अब आपको ये क्वेश्चन करना है, पूरा सीरीज जो है आपको जोड़कर दी गई है और साइन का स्क्वायर हो रहा है, तो एक चीज ध्यान से समझें, आप 85 को सबसे पहले यहां से ब्रेक करें सीरीज को, 85 को लिखें 90 माइनस 5 करेंगे तो ये बन जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 5। तो ये पूरी सीरीज चेंज होके, इसको तो आप ऐसे ही रहने दें जैसे कि साइन स्क्वायर 5, इस टर्म को भी ऐसा ही रहने देंगे, साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15, लेकिन पीछे से जो टर्म पलट के आ रहे हैं, तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर 85 को जब 90 माइनस 5 लगेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5 प्लस, ऐसे ही लास्ट में लिखा है साइन स्क्वायर 90, अब इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी बन होगी। जब आप साइन स्क्वायर 5 को कॉस स्क्वायर 5 से जोड़ेंगे तो वैल्यू इसको और इसको एक साथ जोड़ने पे क्या प्राप्त होगी आपको, 1। आप जानते हैं दोस्तों 85 से पहले यहाँ आता साइन स्क्वायर 80, उसको लिखते आप 90 माइनस 10, तो क्या हो जाता कॉस स्क्वायर 10। कॉस स्क्वायर 10 को जब आप साइन स्क्वायर 10 के साथ जोड़ते तो क्या प्राप्त होता, 1। फिर आप 80 से पहले देखते तो 75 को लिखते 90 माइनस 15, तो वो बन जाता कॉस स्क्वायर 15,
उसको जब आप साइन स्क्वायर 15 से जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होता, 1। तो इस तरीके से आप देखें कि इसमें टोटल टर्म कितने थे। जैसे आप 5 से 5, 10, 15, 25, 30, 35 और 90 तक जा रहे हैं तो टोटल इसमें टर्म थे 18, राइट, 18 टर्म थे आपके। और 18 टर्म में जैसा कि आपने देखा कि इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी फिक्स है, यानी 1 हो गई, ठीक। और एक और चीज़ है कि किन्हीं दो टर्म को जोड़ के प्राप्त क्या हो रहा है, 1। जैसे हम जानते हैं टोटल टर्म इस श्रेणी में कितने हैं, 18, 18 पंजे 90 एपी बन रही है, 18 टर्म है और दो पदों को जोड़कर 1 प्राप्त हो रहा है। तो आप एक चीज़ जरूर ध्यान रखें कि 1 प्राप्त तो हो रहा है लेकिन इसमें दो टर्म ऐसे आएंगे, एक तो बीच में पड़ेगा साइन स्क्वायर 45, ठीक है, और एक लास्ट में आ रहा है साइन स्क्वायर 90। इनका पेयर आपस में नहीं बनना। तो दो टर्म तो 18 टर्म थे टोटल, उनमें से दो टर्म तो आपके हट जाएंगे, टोटल टर्म कितने बचे, 16। और 16 टर्म में आप ऐसा समझ सकते हैं कि जब दो टर्म को जोड़कर 1 प्राप्त हो रहा है तो 16 टर्म से आपको कितना प्राप्त हुआ, 8। अब रही बात बचे कुछ दो टर्म की, तो साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू कितनी है, 1, और साइन स्क्वायर 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, लेकिन स्क्वायर हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 1/2। तो 9 होल 1/2, 9 प्लस 1/2 को लिख देंगे, 9 सही 1/2, तो सही आंसर आएगा ऑप्शन सी। क्लियर, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन ज़्यादा है, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, दिमाग चलाना है, पेन कम दिमाग ज़्यादा, आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, इफ ए लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट 3 tan A + 4 = 0, देन 2 cot A - 5 cos A + sin A। तो आप ध्यान से देखें कि जो A है वो क्या है, A लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, A जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और गिवन है आपको 3 tan A + 4 = 0, सो tan A इक्वल -4/3, राइट। अब A सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आपको फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, ये समझो, फाइंड जो करना था आपको वो करना है 2 tan cot A - 5 cos A + sin A, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब आप ध्यान से एक बात समझें कि A जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cot कैसा होता है, नेगेटिव, राइट, cos कैसा होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ऑल्सो नेगेटिव, साइन इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, बात सही है। अब आप ध्यान से ये देखें कि cot A की वैल्यू, जब tan A की वैल्यू -4/3 है तो cot A की वैल्यू आ जाएगी -3/4, उसी वैल्यू को पलट देंगे -5 × cos A की वैल्यू, ये होता है लंब बट्टे आधार, तो ये हो जाएगी 3/5, लेकिन माइनस का, क्योंकि cos भी सेकंड में नेगेटिव, प्लस साइन की वैल्यू देखेंगे तो वो हो जाएगी 4/5, वो भी प्लस का। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ध्यान से देखें, ये हो जाएगा माइनस, इससे ये दो बार गया तो माइनस का 3/2, और यहाँ एलसीएम आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा प्लस का 15 और 4 = 19, 19/5 हो गया, ये दोनों टर्म सॉल्व करके आ जाएगा 19/5, 5 को इससे करें तो ये हो जाएगा माइनस का 15 5 + 15 = 19 × 38 बटे कितना हो रहा है 10। अब 38 में से 15 गए तो कितने बचेंगे, 23/10, तो सही आंसर आएगा ऑप्शन सी। सी क्या है हमारा यहाँ करेक्ट आंसर, 23/10। चलिए देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन 38। क्वेश्चन नंबर 38 में गिवन हो रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉस 24 डिग्री प्लस कॉस 5 डिग्री प्लस कॉस 175 डिग्री प्लस कॉस 204 डिग्री प्लस कॉस 300 डिग्री। अब यहां पर आप ये देखें कि जैसे कॉस 24 है, आप एक काम करें, इसको एज इट इज ऐसा ही लिखें कॉस 24, क्योंकि इसको तो आप सिंपल लिखें, तोड़ लेंगे हम इसको। यहां पर ये है कॉस 5, इसको आप ऐसा ही लिखा रहने दें कॉस 5, इसको हमने कॉस 5 ही लिखेंगे, राइट। बात कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप 175, अब तोड़ देंगे इसको पकड़ के, 175 को क्या कर दें 180 माइनस 5, लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। तो आप देख सकते हैं कि इसको सॉल्व करके आएगा माइनस का कॉस 5, बहुत अच्छे से समझें। ऐसे ही यहां 204 को पकड़ के तोड़ेंगे, अभी इसको लिख देंगे हम 180 प्लस 24, लिख सकते हैं क्या। अब कॉस 180 प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में भी नेगेटिव होता है, चेंज होगा नहीं, तो माइनस का कॉस 24। अब बचा क्या, कॉस 300 बचा, तो आप देखें प्लस का कॉस 24 माइनस का कॉस 24, ये वैल्यू यहां से आई, और प्लस का कॉस 5 माइनस का कॉस 5 सब कट गया, बच क्या रहा है कॉस 300। इसकी वैल्यू बताना बहुत आसान है, क्योंकि इसको हम लिख लेंगे 360 माइनस 60, 360 में 60 घटाएंगे 300 ही तो बचेंगे, कॉस 360 माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा कॉस 60, जिसकी वैल्यू होती है 1/2। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वेरी इजी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 39। क्वेश्चन नंबर 39, विच वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा प्लस पाई अपॉन 6 प्लस कॉस थीटा प्लस पाई अपॉन 6 इज मैक्सिमम। यह कहा जा रहा है कि थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा प्लस पाई बट्टे 6 प्लस कॉस थीटा प्लस पाई बट्टे 6 का मान अधिकतम होगा, यानी आपको यह बताना है कि साइन थीटा प्लस पाई अपॉन 6 प्लस कॉस थीटा प्लस पाई अपॉन 6, इसमें हम थीटा का क्या मान रखें जब ये अपनी वैल्यू अधिकतम देगा। अच्छा एक बात समझाओ, पहले हम आपसे कहें कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखा है, सही है, आप जानते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू सबको पता है √2 आएगी, क्योंकि इनके कोफिशिएंट 1 बने, तो आप वही फॉर्मूला लगा देंगे √a² + b², तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी √2। लेकिन ये ध्यान से देखें कि साइन और कॉस को जोड़ने पर √2 आता कब है, जब इसकी वैल्यू भी आ रही हो 1/√2 और इसकी वैल्यू भी आ रही हो 1/√2, क्योंकि 1/√2 को जोड़कर ही तो आप फाइनली √2 लेके आएंगे। अब सोचने वाली बात है कि साइन में और कॉस में 1/√2 कितने डिग्री पर आता है, तो कितने डिग्री पर आता है 45, ये बात क्लियर है। आप जानते हैं कि साइन और कॉस को जोड़ने पर जब एंगल 45 होता है तब आता है √2, तो आप ये समझ लें कि ये वाला पूरा कोण और ये वाला पूरा कोण, यानी ये कंप्लीट मैक्सिमम वैल्यू जब देगा जब ये और ये एंगल 45 के बराबर हो, यानी थीटा प्लस पाई अपॉन 6 जो ये एंगल है इसको हम किसके बराबर कर देंगे पाई बाई 4 के, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6, सो एलसीएम विल बी 12
ये हो जाएगा 3 - 2 यानी ऊपर हो गया पाई, तो आंसर आ गया पाई अपॉन 12। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेरी इजी क्वेश्चन। देखते हैं हम अपनी इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 अच्छे से एनालिसिस करें, अच्छे से समझें, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। मैंने बताया हुआ है आपको पहले से कि टेन थीटा प्लस टेन फोर थीटा प्लस टेन सेवन थीटा इक्वल टेन थीटा टेन फोर थीटा टेन सेवन थीटा। एक बात याद रहे कि जब भी टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी बराबर टेन ए टेन बी टेन सी हो, उस दशा में ट्रिक वाली बात है कि जो जनरल सॉल्यूशन आता है थीटा इक्वल, तो एन पाई अपॉन इन तीनों एंगल का सम, सम कितना आएगा, यहाँ लिखा है बन, यहाँ लिखा है फोर, यहाँ लिखा था बन थीटा, यहाँ फोर थीटा और यहाँ लिखा है सेवन थीटा, तो 7 और 4 11 और 1 12 राइट। इन तीनों को जोड़ लेंगे वो क्या आएगा यहाँ अपॉन में, तो सही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी ये जनरल सॉल्यूशन आ गया और आपका करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे जो ये 2020 क्वेश्चंस की सीरीज थी, यानी 40 क्वेश्चन टॉप 40 क्वेश्चन पूरे बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से हमारे और भी चैप्टर वाइज ये क्वेश्चंस आते रहेंगे, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते रहें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। जय श्री राम।